हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है प्रोटिस्टा और मनेरा जगत के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं पादप जगत के बारे में चर्चा करने या यानी पौधे जगत के बारे में चर्चा करने, प्लांट किंगडम के बारे में चर्चा करने। सबसे पहले हम चलते हैं पादप या पौधों के सामान्य लक्षण क्या है इसके बारे में चर्चा करने। नंबर वन है ये जो है इनमें जो है पौधों में जो है इनमें मतलब कोशिका की कोशिका भित्त जो होती है कोशिका की कोशिका भित्ति सेल वाल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्त किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। नंबर दो, ये पौधे जो होते हैं ये पर्णहरिण अर्थात इनमें क्लोरोफिल होता है। पर्णहरिण क्लोरोफिल के उपस्थित होने के कारण जो है होने के कारण पौधे जो होते हैं हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दूसरा जो है ये जो है पौधे जो होते हैं ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से अवशोषित H2O मतलब जल यौन वायुमंडल से प्राप्त CO2 के द्वारा अपने भोजन या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण ये जो जिसकी विधि के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं इस विधि को जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी जब ये विधि जो है भोजन बनाने की ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। दूसरी बात नेक्स्ट पॉइंट इनमें जो है पौधों में जो है इनमें वृद्धि होती है। ग्रोथ क्या होती है? वृद्धि होती है। नेक्स्ट ये जो है जड़ों रूट्स यौन जो है मूलाभास ये जड़ के समान संरचनाएं होती हैं। मूलाभास रहाइड्राइड्स के द्वारा
भूमि से जल एवं खनिजों अवशोषित करते हैं, खनिजों अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट लाइन, पौधे जो होते हैं ये जड़ों या मूलाभास के द्वारा भूमि में स्थिर होते हैं, भूमि में स्थिर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें उत्सर्जन जो होता है, इनमें उत्सर्जन छाल बार जिसको कहते हैं बार्क एवं पत्तियों के गिरने से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जो है पौधों में कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन सेल डिवीजन होता है। नेक्स्ट, इनमें जो है पूर्ण विकसित पादप कोशिका में जो है रिक्तिका उपस्थित होती है, रिक्तिका उपस्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जो है वृद्धि वेजिटेटिव आलैंगिक एसेक्सुअल एवं लैंगिक सेक्सुअल तीनों प्रकार का नाम होता है। तीनों प्रकार का जन्म होता है। नेक्स्ट लास्ट टाइम, इनमें जो है लैंगिक जनन के पश्चात लैंगिक जनन के पश्चात भ्रूण के पश्चात भ्रूण इंद्रियो का निर्माण होता है। इंद्रियों का निर्माण होता है। तो ये मुख्य जो है पौधों के जो है ये मुख्य लक्षण होते हैं। नंबर वन, इनमें कोशिका की कोशिका भित्त जो होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा, इनमें क्लोरोफिल हरित लवक होता है, पर्ण रंग होता है। तो ये पौधे जो होते हैं पर्ण रंग के उपस्थित होने के कारण स्वपोषी होते हैं। दूसरा, पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से अवशोषित जल H2O एवं वायुमंडल से प्राप्त CO2 के द्वारा अपने भोजन
या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जिसे निपाद निर्माण जिसे प्रकाश संश्लेषण इस विधि द्वारा भोजन बनाने की प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें वृद्धि होती है। दूसरा, पौधे जो होते हैं ये जड़ों एवं मूलाभास के द्वारा भूमि से जल एवं खनिज लवण जो होते हैं मिलिए अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जड़ों या मूलाभास के द्वारा भूमि में स्थित होते हैं। दूसरा, इनमें उत्सर्जन की क्रिया छाल एवं पत्तियों के गिरने से होता है। नेक्स्ट, इनमें कोशिका विभाजन जो होता है सूत्री विभाजन जो है असूत्री विभाजन ये सूत्री विभाजन कई सभी विभाजन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें पूर्ण विकसित पादप कोशिका में जो है रिक्तिका जो है उपस्थित होती है। नेक्स्ट, इनमें तीनों प्रकार का जन्म वृद्धि जो है अलैंगिक एवं लैंगिक तीनों प्रकार का जन्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें लैंगिक जन्म के पश्चात भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण होता है। नेक्स्ट आइए चलते हैं पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का आधुनिक वर्गीकरण मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांट आई इसमें जब भी हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले दो चीजें जो होती हैं पढ़ी जाती हैं। नंबर वन जो है वनस्पति के नामकरण वनस्पति नामकरण बॉटनिकल नामन क्लेचर वनस्पति नामन क्लेचर नामकरण ध्यान दीजिएगा। पौधों के ऐसे उचित नाम इसको एक बार मैं बता भी चुका हूं। पौधों या जीवों के ऐसे उचित नाम जिसे अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों के वैज्ञानिक प्रयोग कर सकें के प्रदान करने के प्रदान करने या रखने के प्रदान करने को वानस्पतिक नामकरण कहते हैं। वानस्पति के नामकरण कहते हैं। दूसरा ये वानस्पतिक नाम
वनस्पति के नाम बॉटनिकल नेम, ये दो चीजें जो होती हैं ये जानना जरूरी है, वनस्पति नामकरण और वनस्पति नाम। ध्यान दीजिए, जब किसी जीव या पौधे की सर्वप्रथम खोज होती है तो उसके स्थानीय लोकल नाम उसे तो उसके स्थानीय नाम के अतिरिक्त एक ऐसे नाम की आवश्यकता होती है, जिसे विश्व के सभी वैज्ञानिक प्रयोग कर सकें, ऐसे नाम को जो है वानस्पति नाम कहा जाता है। बॉटनिकल नाम कहते हैं या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, वर्गीकरण करने से पहले ये दो चीजें जानना आवश्यक होता है, वनस्पति नामकरण है क्या है या वनस्पति नाम। आप जानते हैं कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण होता है, तो ऐसे पौधे का भी नामकरण होता है। तो जो है पौधों के ऐसे उचित नाम या ऐसे जीवों के ऐसे उचित नाम जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के वैज्ञानिक प्रयोग कर सकें, ऐसे नाम को प्रदान करने की विधि को वनस्पति नामकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति। दूसरा ये वनस्पति नाम, ध्यान दीजिए, अपने घर में गांव में जब कोई बच्चा पैदा होता है बब्बू चिंटू मिंटू के अतिरिक्त उसका दूसरा नाम होता है जो लिखने पढ़ने में आता है, वही जो होता है जीव वैज्ञानिक नाम, यहाँ पर वो वनस्पति नाम कहलाएगा। जब किसी पौधे की सर्वप्रथम खोज होती है, क्या होती है? खोज होती है, तो उसके स्थानीय नाम के अतिरिक्त लोकल में जाना, जैसे आप दो नाम बबलू चिंटू किंतु ये सब होता है और दूसरा लिखने को, उसी तरह जब किसी पौधे की सर्वप्रथम खोज होती है तो उसके स्थानीय नाम के अतिरिक्त एक ऐसे नाम की आवश्यकता होती है जिसे विश्व के सभी वैज्ञानिक प्रयोग कर सकें, ऐसे नाम को क्या कहते हैं? वनस्पति नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति नाम कहते हैं। चलते हैं अब जो है इसके बाद, सारी चीजें तो हमने जंतु जीव वर्गीकरण का हमने इसमें तत्काल चीज आपको हमने बताया है, तो लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ हम आपको और बता दे रहे हैं। आइए चलते हैं वर्गीकरण की इकाइयां, ये भी आपको हमने बताया है वर्गीकरण क्रमबद्धता में। वर्गीकरण की इकाइयां या इसी को संवर्ग कहा जाता है, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन
आइए वर्गीकरण के जो है निम्नलिखित इकाइयां हैं। नंबर वन आप जानते हैं, मैं इसको बता चुका हूं, जगत किंगडम, ये आपको बताया जा चुका है। लेकिन हम किंगडम को छोड़ करके जो है मेन पर आते हैं। इसमें जो मुख्य पांच हैं, नंबर वन जो है चलते हैं संघ आयलम, ये मुख्य पांच इकाइयां होती हैं। तो ध्यान दीजिए, संघ जो है ये वर्गीकरण की जो है पौधे में ये वर्गीकरण की प्रथम इकाई होती है। प्रथम इकाई है, ध्यान दीजिए, इसमें सफिक्स माने अंतिम अक्षर, इसमें अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर सफिक्स, सफिक्स माने होता है अंतिम अक्षर जो है ओ फाइटर या माइकोटी होता है, माइकोटी होता है। जैसे जो है जैसे साइनो फाइटर, यहां पर साइनो फाइटर में लास्ट में वो फाइटर है। दूसरा जो है वर्ग क्लास, तो ध्यान दीजिएगा वर्गीकरण जो है वर्ग जो है ये वर्गीकरण की वर्गीकरण की जो है द्वितीय इकाई है या द्वितीय इकाई होती है, द्वितीय इकाई है। ध्यान दीजिएगा इसमें अंतिम अक्षर जो होता है इसमें अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर मीन्स सफिक्स जो होता है ए ई होता है, अंतिम अक्षर ए ई होता है, क्या होता है ए ई होता है। जैसे जो है जैसे जिम्नोस्पर्म, क्या है जिम्नोस्पर्म, नेक्स्ट आइए। इसके बाद जो है गण, गण आर्डर, ध्यान दीजिएगा आर्डर जो है ये वर्गीकरण की तीसरी इकाई है। वर्गीकरण की तीसरी इकाई है, क्या है तीसरी इकाई है, इसमें अंतिम अक्षर जो होता है, इसमें अंतिम अक्षर सफिक्स, अंतिम अक्षर जो है एलियस होता है, क्या होता है एल्स होता है। जैसे जैसे फिलिकेल्स, जैसे फिलिकेल्स। नेक्स्ट वर्गीकरण का जो है अगला इकाई जो है कुल, फैमिली, ध्यान दीजिएगा ये वर्गीकरण की चौथी इकाई है। ये वर्गीकरण की चौथी
चौथी इकाई है या चौथी इकाई होती है इसमें जो है अंतिम अक्षर जो है इसमें अंतिम अक्षर सफिक्स ए सी ई होता है ए ई सी ई होता है जैसे एग्जाम्पल में जैसे जो है जैसे मालदेशी जैसे मालदेशी नेक्स्ट जो है वंश जीनस ध्यान दीजिएगा जीनस जो है ये वर्गीकरण की पांचवी इकाई है जो वंश को प्रदर्शित करती है और नेक्स्ट जो है जाति स्थिति ध्यान दीजिएगा ये जात जो है ये वर्गीकरण की सबसे छोटी एवं अंतिम इकाई है जो जात को प्रदर्शित करती है इस प्रकार से मुख्य रूप से जो है ये वर्गीकरण की जो है छह इकाई अगर हम जगत जोड़ देते हैं क्योंकि पादप जगत प्राणा ये दिखाई गया है तो जगत के बाद जो है ये पांच इकाइया होती है वैसे जब शुरू किया जाता पहले जगत लिखा जाता है क्योंकि पादप जगत हमने लिखा है इसलिए इसको नहीं लिखा है ये मुख्य रूप से ये छह इकाइया है जिसमें संघ जो होता है ये इसे वर्गीकरण की प्रथम इकाई माना जाता है इसमें अंतिम अक्षर सफिक्स जो होता है वो फायदा या हमारे कुटी होता है जैसे साइनल फायदा नेक्स्ट जो है क्लास ए वर्गीकरण की द्वितीय इकाई है इसमें अंतिम अक्षर जो होता है ए ई होता है जैसे जिम्नोस्पर्मी नेक्स्ट तीसरा गण या आर्डर कह सकते हैं ये वर्गीकरण की तीसरी इकाई होती है इसमें अंतिम अक्षर जो होता है वो ए एल ई एस होता है जैसे फिलीपींस चौथा जो है आइए फैमिली यानी कुल ये जो है वर्गीकरण की चौथी इकाई है इसमें अंतिम अक्षर या सफिक्स जो होता है ए सी ए ई होता है जैसे मालदेशी चौथा पांचवा वंश ये वर्गीकरण की पांचवी इकाई होती है जो किसी पौधे या जीव के वंश को प्रदर्शित करती है लास्ट जो है जात ये वर्गीकरण की आधारभूत सबसे जो है ध्यान देती है छूट गया ये सबसे छोटी होती है ये वर्गीकरण की आधारभूत सबसे छोटी एवं अंतिम इकाई है जो किसी भी पौधे या जीव की जात को जो होती प्रदर्शित करती है
छात्रों अब हम चलते हैं पादप जगत के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने। लिखते हैं पादप जगत का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी किंगडम प्लांटी आधार लीजिएगा। इसमें वो स्वाद टिको का वर्गीकरण सबसे बड़ी मान्य है। ओस्वाल्ड टिको 1942 के अनुसार जो है संपूर्ण पादप जगत यानी जो है प्लांट किंगडम किंगडम माने जगत किंगडम प्लांटी किंगडम प्लांटी को जो है दो उप जगत में यानी सब किंगडम माने उप जगत दो उप जगत प्रथम को कहते हैं जो है थायरोफाइटा मीन्स जो है ऐसे पौधे हैं जिनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। यहाँ लिखेंगे इनमें भ्रूण इम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। इम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। दूसरा ये या इसको ऐसे सीडिंग कर लीजिए कैपिटल ए और इसको कैपिटल बी कर देते हैं। दूसरा जो है सब किंगडम सब किंगडम दूसरे को कहते हैं इम्ब्रियोफाइटा। इम्ब्रियोफाइटा ऐसे पौधे जिनमें भ्रूण का निर्माण होता है उनको इम्ब्रियोफाइटा लिखते हैं। इसलिए लिखेंगे इनमें भ्रूण इम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से छात्रों जो है ये ओस्वाल्ड टिको के अनुसार संपूर्ण पादप जगत किंगडम प्लांटी को जो है दो उप जगत सब किंगडम विभक्त किया गया है जिसमें सब किंगडम नंबर वन है थायलोफाइटा। और थायलोफाइटा मीन्स ऐसे पौधे जिनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता उनको थायलोफाइटा कहते हैं। दूसरा जो है सब किंगडम जो है उप जगत इम्ब्रियोफाइटा। इम्ब्रियोफाइटा मीन्स ऐसे पौधे जिनमें भ्रूण का निर्माण होता उनको हम क्या कहते हैं इम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। अब आइए हम चलते हैं जो है इम्ब्रियो जो है सब किंगडम थायलोफाइटा के बारे में। थायलोफाइटा के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसको जो है सब किंगडम थायलोफाइटा को जो है ये 10 संघों में विभक्त किया गया है। कितने 10 संघों में जो होता है इसे विभक्त किया गया है। नंबर वन जो है फाइलम क्या होता है संघ। इसे 10 संघों में विभक्त किया गया है।
दस अंकों में विभक्त किया गया है। प्रथम कहते हैं साइनोफाइटा, इसका एग्जाम्पल जो है साइनोफाइटा का एग्जाम्पल जो है नास्टाक, हाँ दूसरा छात्रों, दूसरा जो है इसका फाइलम है, दूसरा फाइलम मतलब संघ है, दूसरा फाइलम फाइलम इस संघ है, दूसरा संघ इसका जो है युग्लिनोफाइटा है। क्या है युग्लिनोफाइटा? युग्लिनोफाइटा का एग्जांपल जो है इसका जो है युग्लिना है। क्या है युग्लिना? नेक्स्ट फाइलम संघ तीसरा, फाइलम थर्ड जो है क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा क्लोरोफाइटा एग्जाम्पल जो है स्पाइरो वगैरह और जो है यूरोफिक्स। नेक्स्ट फाइलम जो है क्राइसोफाइटा, अगला संघ जो है फाइलम जो है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा का एग्जाम्पल है डायटम्स, डायटम्स मैलोमोनास और जो है वाउचेरिया। नेक्स्ट फाइलम चिक्ट, फाइलम संघ फाइलम चिक्ट जो है यह है पायरोफाइटा, पायरोफाइटा इसका एग्जाम्पल है जिम्नोडिनियम। नेक्स्ट फाइलम जो है यह है थियोफाइटा, हाँ फाइलम हो गया। नेक्स्ट फाइलम थियोफाइटा, थियोफाइटा एग्जाम्पल इसका जो है सार्वेशन है, सार्वेशन। दूसरा फाइलम जो है ये सातवां फाइलम जो है यह है रोडोफाइटा। रोडोफाइटा एग्जाम्पल इसका जो है पॉलीसिफोनिया है। नेक्स्ट फाइलम जो है आठवां फाइलम, फाइलम साइजो, साइजो माइक्रोफाइटा एग्जाम्पल बैक्टीरिया या जीवाणु। नेक्स्ट नौवा फाइलम मिक्सोमाइकोफाइटा, मिक्सो माइको फाइटा एग्जाम्पल जो है फाइलम।
एग्जाम फाइलम ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है फाइलम जो है एक से लेकर जो है ये सात नंबर तक जो है इनको जो है शैवाल माना जाता है। क्या माना जाता है? ये शैवाल का वर्गीकरण है, शैवाल एल्गी है, और ये दूसरा जो है ये फाइलम नंबर आठ जो है ये जीवाणु का है, और ये फाइलम का है। नेक्स्ट चलते हैं, ये फाइलम जो है टेन, फाइलम टेन जो है यू माइक्रो फाइबर, यू माइक्रो फाइटा, ये वास्तविक और इसके अंतर्गत आते हैं, वास्तविक कवक यानी ट्रू फंजाई। हाँ ध्यान दीजिएगा, फाइलम जो है यू माइक्रोफाइटा को तीन क्लास में ग्रुप किया गया है, तीन क्लास में, नंबर वन क्लास जो है हाइपोमाइसिटी क्लास, हाइपोमाइसिटी इसका एग्जाम्पल है राइजोबस और एल्ब्यूगो। दूसरा जो है क्लास सेकंड एस्कोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी एग्जाम्पल इसका है मार्सेला और जो है ईस्ट, और क्लास थर्ड जो है क्लास थर्ड ये जो है इसको कहते हैं बेसिडियोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटी इसका एग्जाम्पल मशरूम जिसको हम कहते हैं विकस। इस प्रकार से छात्रों जो है थैलोफाइटा को जो है सब किंगडम थैलोफाइटा को ये 10 संघों में प्रकट किया गया है। कितने संघ में? 10, जिसमें प्रथम संघ या फाइलम है साइनोफाइटा जिसका एग्जाम्पल नास्टा, दूसरा फाइलम इस संघ जो है ग्लिनोफाइटा एग्जाम्पल एग्लिना, तीसरा फाइलम जो है क्लोरोफाइटा एग्जाम्पल स्पायरोगैलामेलोफिक्स, चौथा फाइलम इस संघ जो है क्राइसोफाइटा एग्जाम्पल डायटम बायलोमोनास और वाउचेरिया, पांचवा है फाइलम पायरोफाइटा एग्जाम्पल जो है जिनोजिनियम, छठा जो है फाइलम जो है फियोफाइटा एग्जाम्पल सार्गेसम, सातवां फाइलम जो है रोडोफाइटा है एग्जाम्पल पॉलिसेफेनिया, और आठवां जो है फाइलम साइजोमाइक्रोफाइटा है एग्जाम्पल बैक्टीरिया जीवाणु, और नौवां फाइलम जो है मीसोमाइक्रोफाइटा है एग्जाम्पल था जिसमें हमने बताया एक से सात जो फाइलम होते हैं शैवाल होते हैं। अब दसवां फाइलम ये जो है वास्तविक कवक का है जिसको फाइलम टेन जो है माइक्रोफाइटा कहते हैं, इसको तीन वर्ग में तीन क्लास में विभक्त किया, जिसमें क्लास नंबर फाइकोमाइसिटी इसका एग्जाम्पल है राइजोबस एल्ब्यूगो, दूसरा का जो है क्लास सेकंड है एस्कोमाइसिटी एग्जाम्पल मार्सेला ईस्ट, और क्लास थर्ड जो है ये जो है बैक्टीरियोमाइसिटी एग्जाम्पल एग्रिकस। हमारे छात्रों हम चलते हैं सेकंड जो है सब फाइलम सब किंगडम, सब फाइलम नहीं सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियो फाइटा ध्यान दीजिएगा, एम्ब्रियोफाइटा को जो है दो संघों में किया गया है, तो हम दो फाइलम में
हम संख्या वही लिखेंगे, यहां पर 11 लिखेंगे। फाइलम जो है प्रथम जो है, ग्यारहवा जो है ब्रायोफाइटा है, यानी प्रथम इसका ब्रायोफाइटा है, और ट्वेल्व जो है ये फाइलम जो है ट्राइकियोफाइटा है। क्या है? ट्राइकियोफाइटा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ब्रायोफाइटा में संवहन मंडल जो है नहीं होते हैं, और इसमें जो है संवहन मंडल होते हैं। संवहन मंडल होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा को दो संघ में विभक्त किया गया, जिसमें फाइलम नंबर वन यानी 11 ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा में संवहन मंडल नहीं होते हैं। दूसरा जो है सब फाइलम जो है यह है, दूसरा फाइलम है ट्रैकियोफाइटा, इसमें संवहन मंडल होते हैं। तो अब हम चलते हैं, आइए ये जो है अब फाइलम ब्रायोफाइटा के बारे में चर्चा कर लें। फाइलम ब्रायोफाइटा ध्यान देगा, ब्रायोफाइटा को जो है तीन क्लास में विभक्त किया गया है, जिसमें जो है क्लास नंबर वन जो है हिपैड टीसी है। इसका एग्जांपल है हिपैड टीसी का जो है रिक्सिया, यहाँ ही लिख देते हैं। एग्जांपल जो है रिक्सिया है, इसको रिक्सिया को लीवर वर्ड्स कहा जाता है, और दूसरा क्लास जो है सेकंड जो है एंथ्रोसिरोटी है, एंथ्रोसिरोटी एग्जांपल जो है इसका जो है एंथ्रोसिरास को जो है हार्नवर्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्नवर्ट। और इसका तीसरा क्लास जो है मसाई, या इसको मुस्की भी लोग पढ़ते हैं। एग्जाम्पल जो है फ्यूमेरिया, जिसको हम पाई कहते हैं, इसको मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास। तो इस प्रकार से छात्रों जो है ये फाइलम जो है ब्रायोफाइटा को तीन, इसके तीन क्लास हैं, तीन वर्ग हैं। क्लास नंबर वन हिपैटिस एग्जांपल रिक्सिया लिबरवर्स, और जो है क्लास सेकंड जो है एंथ्रोसिरोटी एग्जांपल एंथ्रोसिरास, इसको एंथ्रोसिरास को हार्नवर्ट्स भी कहते हैं, और क्लास थर्ड नंबर साइज इसका एग्जांपल फ्यूमेरिया मास। अब आइए हम चलते हैं, जो है फाइलम जो है फाइलम ट्राइल ट्राइकियोफाइटा, ट्राइकियोफाइटा ध्यान दीजिएगा, ट्राइकियोफाइटा को चार उपसंघों में विभक्त किया गया है। कितने? चार। जो है नंबर वन सब फाइलम जो है लाइकोप्सिडा, नहीं सॉरी साइलोसिडा में, इसमें जो है इसमें पत्ती रहित यौन जड़ रहित पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है सब फाइलम
सब फाइलम लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा में इसमें जो है छोटी हरी पत्ती एवं साधारण साधारण संवहन बंडल वाले पौधे जो होते हैं इसमें आते हैं। दूसरा जो है आइए सब फाइलम जो है सब फाइलम स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा में सब पत्र के समान जो है पत्ती वाले पौधे आते हैं। सब पत्र के समान पत्ती वाले पौधे आते हैं। नेक्स्ट सब फाइलम जो है लास्ट जो है ये टेरासिडा है, इसमें तीसरा तीसरा एलिमेंट है टेरासिडा में, इसमें बड़ी हरी पत्ती एवं जटिल एवं जटिल संवहन मंडल वाले पौधे आते हैं। इस प्रकार से छात्रों जो है फाइलम ट्रैकियोफाइटा को चार सब फाइलम जो है सब फाइलम साइलोप्सिडा और दूसरा सब फाइलम लाइकोप्सिडा और सब फाइलम जो है तीसरा स्फेनोप्सिडा और सब फाइलम चौथा जो है टेरासिडा, इस चार सब फाइलम में जो होता है वो विभक्त किया गया है। अब आइए हम चलते हैं प्रथम जो है सब फाइलम साइलोप्सिडा के बारे में पढ़ने, साइलोप्सिडा ध्यान दीजिएगा इसका केवल एक क्लास है, क्लास नंबर वन साइलोफाइटिन, साइलोफाइटिन। अब इसके दो आर्डर हैं जिसमें आर्डर नंबर वन जो है साइलो फाइटेज, साइलो फाइटेज एग्जाम्पल इसका जो है साइलो फाइडन। नेक्स्ट जो है आर्डर नंबर वन, आर्डर नंबर दो जो है साइलोटेज, साइलोटेज इसका एग्जाम्पल जो है साइलोटम है। क्या है साइलोटम? इस प्रकार से छात्रों सब फाइलम साइलोफाइटा को जो है साइलोप्सिडा को जो है एक क्लास है साइलोफाइटनी, और साइलोफाइटनी के दो गण या आर्डर है, आर्डर नंबर वन साइलोफाइटेस एग्जाम्पल साइलोफाइटे साइलोफाइटा, दूसरा आर्डर जो है साइलोटेस एग्जाम्पल जो है इसका जो है साइलो साइलोटम। अब आइए जो है दूसरा हम चलते हैं सब फाइलम लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा इसका क्लास जो है एक ही क्लास है, क्लास नंबर वन जो है लाइकोपोडिन,
लाइको कोडिन। अब इसके लाइको कोडिन के जो है पांच आर्डर है। नंबर वन, आर्डर नंबर वन जो है लाइको लाइकोकोडियस। एग्जाम्पल इसका जो है लाइकोकोडियम है। दूसरा ऑर्डर नंबर दो जो है सेला जीने लेस। एग्जाम्पल इसका है सेला जिनेला। ऑर्डर नंबर थर्ड जो है लेपिडोडेंड्रेंस लेपिडोडेंड्रेंस। एग्जाम्पल है इसका लेपिडोडेंड्रन। नेक्स्ट ऑर्डर नंबर चार जो है ल्यूरोमियल्स। एग्जाम्पल इसका जो है ल्यूरोमिया है। और फिर उसके बाद जो है इसका ऑर्डर नंबर पांच जो है आइसोटेल्स। एग्जाम्पल आइसोटस। तो इस प्रकार से छात्रों जो है सब फाइनल जो है लाइकोसीटा का एक वर्ग है, एक क्लास है। इसके पांच आर्डर है। प्रथम आर्डर नंबर वन लाइकोकोडियम। एग्जाम्पल लाइकोकोडियम। आर्डर नंबर दो सिलेजिनेल्स सिलेजिनेल्स। एग्जाम्पल सिलेजिनेला। और आर्डर नंबर तीन लेपिडोडेंड्रेंस। एग्जाम्पल लेपिडोडेंड्रा। और आर्डर नंबर चार प्लूरोमियल्स। एग्जाम्पल प्लूरोमिया। और आर्डर नंबर पांच जो है आइसोटेल्स। एग्जाम्पल आइसोटस। अब ये चलते हैं हम जो है सब फाइलम जो है स्फिनोप्सिडा क्या है। स्फिनोप्सिडा स्फिनोप्सिडा का जो है एक क्लास है। इतना है क्लास नंबर वन जो है इक्वेसिटिनी। अब ध्यान दीजिएगा इसके चार आर्डर। कितने कण है? कण माने आर्डर। चार आर्डर में आर्डर नंबर वन जो है इक्वल सीटेज। एग्जाम्पल इसका जो है इक्वल सीटम। फिर उसके बाद ऑर्डर नंबर दो हाइनियल्स। हाइनियल्स एग्जाम्पल जो है हाइनियम। और फिर जो है ऑर्डर नंबर थर्ड स्टेनो हाइलेट्स। एग्जाम्पल जो है स्टेनो हाइलम। और ऑर्डर नंबर पांच जो है ऑर्डर नंबर पांच नहीं सारी चार ये जो है स्पिनो
स्तनपान तेरा सिरा आंधाने तेरा सिरा के तीन जो है इसके तीन जो है तीन वर्ग हैं, तीन क्लास हैं, क्लास नंबर वन जो है फिनिशिंग और क्लास नंबर दो जो है जिम्नोस्पर्म और क्लास नंबर तीन जो है एंजियोस्पर्म इसको कहते हैं अनावृत बीज। हिंदी में इसको कहते हैं आवृत बीज। इस प्रकार से तीन वर्ग में विभाग किया है, क्लास नंबर वन फ्लिसिंग, क्लास नंबर दो जिम्नोस्पर्म, क्लास नंबर तीन जो है एंजियोस्पर्म। तो अब हम चलते हैं इसमें क्लास नंबर वन जो है, क्लास नंबर वन फ्लिसिंग, फिलिसिनी। अब आइए फिलिसिनी के इसमें चार अर्थ। नंबर वन ऑर्डर नंबर वन जो है सिनोपेरिडेंस, सिनोपेरिडेंस एग्जाम्पल जो है प्लेटो, जायरन आर्डर नंबर दो जो है आफियो, आफियो ब्रुसेल्स एग्जाम्पल जो है आफियो ब्रोसन। आर्डर नंबर तीन जो है मैरासियल्स, मैरा सीएल्स एग्जाम्पल मैरासिया। और आर्डर नंबर जो है चार जो है फिलिकेल्स एग्जाम्पल जो है ड्रायोप्टेरिस। तो इस प्रकार से सातवां जो है क्लास फिलिसिनी को जो है चार ऑर्डर में चार नाम विभक्त किया गया है, जिसमें ऑर्डर नंबर वन जो है सिनोपेरिडेस एग्जाम्पल क्लाइडोडायरम, और ऑर्डर नंबर दो है आफियोग्लेसियस एग्जाम्पल आफियोग्लुसन, और ऑर्डर नंबर तीन जो है मैरासियल्स एग्जाम्पल मैरासिया, और ऑर्डर नंबर चार जो है फिलिकेल्स एग्जाम्पल फिलिसिनी को ड्रायोप्टेरिस। नेक्स्ट चलते हैं क्लास क्लास नंबर दो जो है जिम्नोस्पर्म,
निम्नो स्पर्मी ध्यान दीजिएगा, जिम्नोस्पर्मी को दो सब क्लास में प्रयुक्त किया गया है। इसमें सब क्लास नंबर वन जो है साइक्लोइड फाइटी और सब क्लास माने ऊपर नंबर दो जो है कोनिफेरो आईटी। तो अब हम चलते हैं आइए सब क्लास साइक्लोइड आईटी साइक्लोइड आईटी के तीन ऑर्डर में ऑर्डर नंबर वन जो है साइक्लोइड क्लिकेट्स एग्जाम्पल जो है लाइजेनो टेरिस। नेक्स्ट ऑर्डर नंबर दो जो है साइक्लोडेल्स साइक्लोडेल्स एग्जाम्पल जो है इसका है साइटस। ऑर्डर नंबर तीन जो है डेनी टाइटेस डेनी टाइटेस एग्जाम्पल जो है डेनी टाइटेस। और उसके बाद अब आइए सब क्लास सेकंड, सब क्लास सेकंड कोनिफेरो फाइटी कोनिफेरो फाइटी इसको भी चार ऑर्डर में प्रयुक्त किया गया है। ऑर्डर नंबर वन जो है कार्डेटिव्स एग्जाम्पल कार्डेट्स। एग्जाम्पल कार्डेट्स और ऑर्डर नंबर दो डिंगोस एग्जाम्पल जो है डिंगो डिंगो। ऑर्डर नंबर थ्री जो है ऑर्डर नंबर थ्री जो है कोनिफेरस एग्जाम्पल जो है पाइनस और ऑर्डर नंबर फोर्थ जो है नीटेस। इसमें भी डी साइलेंट है। एग्जाम्पल जो है नीटम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर सब फाइलम जो है सब क्लास कोनिफेरो फाइटी को चार ऑर्डर में इसके हैं। नंबर ऑर्डर नंबर वन कार्डेटेस एग्जाम्पल कार्डेस। ऑर्डर नंबर दो है जिंगोस एग्जाम्पल जिंगो। ऑर्डर नंबर तीन जो है कोनिफेरस एग्जाम्पल पाइनस या कोनिफर्स। और एग्जाम्पल नंबर चार ऑर्डर नीटेस। अब लास्ट आइए क्लास नंबर तीन के क्लास नंबर तीन क्लास नंबर तीन
क्लास नंबर 3 एनजीओ स्पेलिंग एनजीओ स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, एनजीओ स्पेलिंग को दो उप वर्ग सब क्लास में विभक्त किया गया है। प्रथम कहते हैं डाई कार्टिलेगनी, इसको कहते हैं द्विबीजपत्री। एग्जाम्पल में जो है जैसे है मटर पी, और सब क्लास सेकंड जो है मोनोकार्टिलेगनी, लेडनी इसको कहते हैं एक बीज पत्री, एक बीज पत्री। एग्जाम्पल जो है मक्का या चावल लिख सकते हैं मेज। तो इस प्रकार से छात्रों क्लास जो है एंजियोस्पर्मी को दो सब क्लास जो है मैं उपवर्ग किया गया है, सब क्लास नंबर 1 डाइकार्टिलेडनी द्विबीजपत्री एग्जांपल मटर, और सब क्लास सेकंड मोनोकार्टिलेडनी द्विबीजपत्री, और जो है एग्जांपल मक्का में। तो छात्रों हम ऑनलाइन क्लास यहां पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।